अभी शेयरिंग में नहीं मिलेगा, आपको रिजर्व करके जाना पड़ेगा। कितने बता रहे भैया आप? कुछ हम लेने पड़े। कितने बता रहे हो? 250 लास्ट है। कितने बता रहे हो? 300। नहीं यार ज्यादा बता रहे हो। गया क्या हुआ? 60 चले यार। बाय ब्रो। थैंक यू। Hey guys, welcome back to our another video. So, अभी मैं हूँ MG Road, Gangtok. And ये basically ना famous है यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे ना Christmas बहुत अच्छे से celebrate होता है. और अभी बच्चे के 10 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्राउड कम हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे MG Road पे ना, यहाँ पे मोस्टली 10 बजे ना दुकानें बंद हो जाती हैं. मतलब 8 बजे तो वैसी दुकानें बंद हो जाती हैं, जो फूड मार्केट होती है ना वो 10 बजे बंद होती है. तो बट आज क्रिसमस है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था. मतलब 8 बजे से पहले तो बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ इस रोड पे ना. लुक एट दिस, इस रोड पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी. बट सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. बट अभी तो जगह है, क्योंकि 10 बजे गए, बहुत सारी दुकानें बंद भी हो गई हैं. क्योंकि जैसे आप देखोगे ना शटर, देखो ये दुकानें बंद भी होगी सारी लाइन से. बट फूड वाला ऑप्शन हमारा खुला रहेगा यहाँ पे, अदरवाइज और सारी दुकानें यहाँ बंद हो जाएंगी. कैफेज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. अगर हमारी नॉर्थ साइड से कोई लोग आते हैं ना, तो यहाँ खाना खाने का बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर खाना उस टाइप का मिल नहीं पाता. बट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है रसोई नाम से, वहाँ पे आपको ना प्रॉपर खाना मिल जाएगा. मतलब अगर आपको ना नॉर्थ इंडियन खाना खाना है ना, तो उस रेस्टोरेंट में मिल जाएगा. तो अभी हम लोग ना वहीं जा रहे हैं. बट उससे पहले ना आपको पूरा मार्केट दिखा देता हूँ यहाँ की. सो बेसिकली इस टाइप का दिखता है कुछ. एंड यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना कुछ ना कुछ मिलता रहता है लोकल्स के लिए. एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट है, पब भी है. तो मेरे साथ गौरव भाई भी हैं, क्योंकि इन्हें भी भूख लग रही है. तो बेसिकली ना हम लोग ना आज ट्रिप करके आए हैं लाचुंग की. हमारी 3 दिन की ट्रिप थी लाचुंग एंड लाचेन की. तो वो वाले एरियाज हमें ट्रैवल करने थे, विजिट करने थे. हमने बेसिकली कंप्लीट कर लिया आज. एंड आज 25 दिसंबर, तो आज हम बेसिकली गैंगटॉक पर रुकने वाले हैं. एंड अभी हमें भूख लगी, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें. एंड बोलते हैं ना ट्रैवल करके आते हैं ना आपको, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है. सेम हमारे साथ भी हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है. बट सारी दुकानें बंद हो गई. हमने इतना मार्केट दिखाया आपको ना, ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं यहाँ पे. दिस इज़ एक्सिस बैंक. बट यहाँ का ना आपको MG Road काफ़ी अच्छा लगेगा. गौरव, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है MG Road का यहाँ का? नाइस है, बट जैसा सुना था कि क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे जो मज़ा आता है, जो जो वाइब्स होती हैं, हाँ वाइब्स होती हैं, बट वो वाइब नहीं आई मेरे को. अभी हम आ गए रसोई पे, तो आपको दिखा देते हैं. तो जब भी आप MG Road आओगे ना, तो आपको यहाँ पे रसोई मिल जाएगा. जैसे आपको यहाँ पे डबल रोड है, दोनों साइड चलने वाला रोड है, एक वन साइड चलने वाला रोड है. तो दोनों साइड चलने वाला रोड है ना, इसके जस्ट कॉर्नर पे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको रसोई मिल जाएगा. तो यहाँ का खाना ना बहुत अच्छा है. और अगर आपको वेज में इंटरेस्ट है ना, तो आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा यहाँ पे. तो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ का कैसा खाना है.
चले। सो बेसिकली ये रेस्टोरेंट का एंट्री गेट है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे सिटिंग एरिया भी मिलेगा। तो हमारी टेबल है ये। हाय गौरव, चले तेरी भूख नहीं दुख रही। अब क्या किया जाए, खाना खाना है। सुबह से कुछ नहीं खाया। हमने थोड़ा सा खाया था, खाना टेस्ट नहीं था आज का। ऐसा कुछ नहीं है। हमने राजस्थान बहुत सारी चीज़ें खाई थी बीच में रुक रुक के, मोमोज वगैरह, मैगीज वगैरह, बट ये भुक्कड़ है। काउंटिंग स्नैक्स में आते हैं, काउंटिंग में आते हैं। ये ऐसा बोल सकता है तू, बट तूने खाया ये 5-10 मिनट के काम का दस का, तो उसके बाद वो फिनिश हो जाता है। कुछ भी बहाने बना रहा है, बट यहाँ का सीरियसली आपको ना अच्छा खाना मिलेगा। तो जब भी आप आओगे ना, तो रसोई और यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन है, मतलब आपको वेज ही खाना मिलेगा, नॉन वेज यहाँ मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप आ सकते हो इस लोकेशन पे। ओए कैसा लगा डिनर? खाना तो एकदम अच्छा होता ही है ना, काफी अच्छा खाना होता है ना। खाना तो अच्छा ही होता है। सो गाइस, हमारा डिनर हो गया कंप्लीट एंड सीरियसली काफी अच्छा खाना होता है। मतलब हमारे साथ दो लोग और भी थे, तो काफी अच्छा खाना था। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। चलो भैया घर छोड़ दोगे? हेलो, हाय हाय हाय, क्या हुआ? जगह देखा कौन सा? अपर सिंचाई रोड, अपर सिंचाई रोड, जॉस्टल गैंगटॉक। चार किलोमीटर दूर है क्या? कितना बता रहे हैं? कितना बता रहे हो भैया? कितना बता रहे हो? 250 लास्ट है। कितना बता रहे हो? 300। नहीं यार ज्यादा बता रहे। तो जोस्टल का यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है हमारा, जहाँ हमने जोस्टल में रूम लिए है। रूम के अलावा डोरमेट्री की तरफ बेड मिलते हैं वहाँ पे, तो हमने डबल बेड लिए, गौरव ने एक मैंने, और उसका चार्ज बताया 250 रुपीज़, मतलब यहाँ से जाने का। लेट्स सी, अगर कोई दूसरा कैब देखते हैं मिल जाएगा 150 के अराउंड मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये ब्रो बाकी का MG रोड आपका यहाँ पे ख़त्म होने वाला है एंड यहाँ बहुत सारी कैब भी चलती है, तो आप अच्छे से चलना भाई रोड पे। मैंने बताया ना MG रोड पूरा कंप्लीट हो गया होगा 10:30 बजे तक, बंद भी हो गया। चलो भाई कितना? 150। सही लगा लिया ना? सही तो बोला। यस ब्रो, चलो बाय ब्रो, बाय बाय बाय। देखा होगा आपने। सो गाइस, फाइनली हम लाचुंग से ना हम आ गए हैं गैंगटॉक के लिए एंड यहाँ पे हमने स्टे किया है जोस्टल में। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं इससे पहले कभी नहीं रुका जोस्टल्स में। एंड यहाँ का ना ऊपर का एरिया भी बहुत प्यारा है, मतलब कॉमन एरिया यहाँ बैठो, कैफेटेरिया है ये बेसिकली। तो जोस्टल का पता नहीं रूल्स होता होगा या क्या होता होगा, यहाँ का कैफेटेरिया सबसे ऊपर होता है एंड आपको देखना है ना, तो देख लो। सो बेसिकली इस टाइप का कैफेटेरिया है यहाँ का, बट क्रिसमस सेलिब्रेशन भी हुआ है उधर, तो वहाँ पे सारा डेकोरेट किया उन लोगों ने। बाकी यहाँ घूमने का है, बैठ सकते हो यहाँ पे आराम से एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर करना है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा डिजाइन है। और नीचे भी एक एरिया है जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह बहुत सारी रखी हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो आराम से कोई सा भी, तो वो भी एरिया काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप गैंगटॉक आते हो ना, जोस्टल के मज़े ले सकते हो। जोस्टल बेसिकली ना ये आपका MG रोड है ना, यहाँ का वहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब थोड़ा सा आउट एरिया पे, बट यहाँ पे टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएंगी, मतलब शेयरिंग बेसिस पे भी चलती हैं, तो उसका आपको 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। बाकी अगर आप प्राइवेट कराने तो 150 अराउंड आपका लग जाएगा। तो ऐसे आप ट्रैवल कर सकते हो, ये भी एरिया विजिट कर सकते हो। भाई गाइस, इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं, और भी आपको ट्रैवल ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।